आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। फोर ऑप्शन दिए गए, ए, बी, सी और डी। अदर जो कोशिकाएं होती है हमारी, यानी सेल जिसको बोलते हैं कोशिका, कोशिका में लगभग सभी प्रकार के जो डीएनए होते हैं समान डीएनए होते हैं। कैसे होते हैं, समान डीएनए। डीएनए के फुल फॉर्म क्या होते हैं, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखो सभी प्रकार के समान डीएनए होते हैं और डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन और क्रिक ने। ओके, वाटसन वे क्रिक ने की थी। अब देखो इसमें जो दिया गया है, तो इसमें जितने जो भी न्यूक्लाइड होते हैं सभी कोशिकाओं में समान होते हैं और उन समान कोशिकाओं के न्यूक्लाइड को क्या कहते हैं, बी डीएनए। ये जो बी डीएनए होता है कैसा होता है, पतला होता है। ठीक है ना, पतला। ठीक है, उसी प्रकार सी डीएनए हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए डीएनए दिया गया, ये क्या होता है, लंबा होता है, लंबा चौड़ा। ठीक है, चौड़ा और गहरा कुंडली प्रकार का होता है। ये वाला तो होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।